अरे गावे आगरा में जागने बारी। ए मारा भोला रे नाथ को मंदिर बारी। अरे कुमावत समाज बेड़ी में गई बारी। ओ मां अंजनी मां का लाल घुमा दो घोड़ा रे। अरे केसरी पिताजी को नाम घुमा दो घोड़ा रे। और एक बार जो भी बालाजी महाराज को सच्चे दिल से मानता है एक बार दोनों हाथ उठाएं सीधे सीधे और ताली बजाते हुए। ओ मां आई जोरे एक बार घुमा दो घोड़ा। मेले में सामान उसी का बिकता है जिसकी दुकान होती है और मेरे बालाजी महाराज का जयकारा वही लगाता है जिसके मुख में जुबान होती है। अब भगवान ने किस किस को जुबान दे रखी है देखिए दोनों हाथ उठाकर जयकारा आप सभी भक्त लोग लगाएं। बोले बालाजी महाराज की Thank you.
दाम कहावे। और बिल्कुल पंचमुखी बालाजी की जाके आपके बीच में थोड़ी देर बाद हाजिर है। बिल्कुल अरे साला सर में दाम कहावे, भगता को रखवाले कहावे, भगता को अरे साला सर में दाम कहावे, भगता को रखवाले कहावे। ओ थारी बोले रे जे जे कार मारा बालाजी, ओ थारी बोले रे जे जे कार मारा बालाजी। पंचमुखी बालाजी महाराज के जाके मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार जयकार आप सभी भक्त लोग लगाएं। बोले श्री बालाजी महाराज की जय हो। और जी टाइम का मायने राम और रावण के बीच में लंका नगरी में महायुद्ध हुए, वे युद्ध का मायने मेघनाथ लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगाए। पूर्व वानर दल वैराग्य प्रभु श्री राम मन में चिंता करवा लगा, वे विपदा का मायने हनुमान जी महाराज राजू राज जावे और द्रोणागिरी पर्वत उठान लावे और लक्ष्मण जी का प्राण उबारे। भक्त लोग बड़ा सुंदर शब्द में बखान क्यों बोले, अरे राम रावण में झगड़ो भारी, ओ जब मेघनाथ ने शक्ति मारी, राम रावण में झगड़ो बारी, मेघनाथ ने शक्ति मारी। अब बालाजी महाराज वटू बूटी लेवाने रवाना तो वे गया, लेकिन वही मंगरा ने देखियो सारी बूटियां जगमगाती हुई। बालाजी महाराज मन में विचार चलवा लगा कि आपने तो कोई ठापड़े को अपाशी कर पूरा पर्वत नहीं उठाला और वहां के जैसी छाए जैसी बूटी ले ली, इसलिए बालाजी महाराज विकराल रूप धारण कियो और पूरा पर्वत ने हाथ में उठा। बालाजी महाराज रवाना गया। मैं चला एक बार जोरदार जयकार, बोले बालाजी महाराज की ओ जत लायो रे पर्वत को